वीडियो को लाइक करें, प्लम्बर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लम्बर हेल्पर चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गीजर फिटिंग कैसे की जाती है। गीजर फिटिंग का वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है, लेकिन उसकी फिटिंग अलग थी और इस गीजर की फिटिंग कुछ अलग है। ये हैवेल्स कंपनी का एक गीजर है और रिमोट कंट्रोल ये गीजर है। तो इसके साथ में हम देखते हैं, ये इसके साथ में क्या क्या निकला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इसका रिमोट कंट्रोल जो कि बाथरूम में इसके नीचे टंग जाएगा और इसको इसमें प्लस और माइनस करने का ऑप्शन दे रखे हैं, बंद करने के भी ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है दो कनेक्शन पाइप और ये है इसके फास्टनर दो और ये है इसके NRV और ये हो गया हैवेल्स कंपनी का गीजर। तो लास्ट तक वीडियो बने रहे हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जहाँ पर हमारे फास्टनर लगने जा रहे हैं उसका हम सेंटर निकालेंगे, इससे इंचेटे से पकड़ करके इसका सेंटर निकालेंगे। मेरा यहाँ पर इंचेटे मार्कर थोड़ा टूटा हुआ है तो हम इसी से इसका सेंटर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 2 फीट में 150 कम इसका सेंटर आ रहा है। बाकी हम इनके गीजर के पॉइंट से टाइल के ऊपर इसके मार्किंग करेंगे, फिर हॉल करेंगे, फिर लाएंगे। फिर हमारा आ रहा था 1 फीट, तो हम इसका भी सेंटर ले लेंगे। और नीचे से बिल्कुल इसके लेवल में मार लेंगे। अब हम पहले इसमें हैमर से सुराख करेंगे, फिर फासने लगा लेते हैं, फिर गीजर को टांग लेंगे, उसके बाद हम आपको वो दिखाएंगे। फासना तो कोई भी लगा लेता है दोस्तों। अब हम यहाँ पे पहले कनेक्शन पाइप को टाइट कर लेते हैं। ये पुराना वाला हम खोल देंगे और जो हमारा गीजर के साथ में आया है हम उसी को लगा देंगे। पुराना वाला कनेक्शन पाइप हमारा खुलता हुआ है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे NRV। दोस्तों, इसमें NRV लगानी ज़रूरी होती है। होता क्या है, कभी कभी जब गीजर कुछ साल बाद ये बैग मारना स्टार्ट हो जाता है तो इसमें इनलेट लाइन में हमारा UPVC लाइन पड़ा हुआ होता है। इसमें भी हमारा UPVC लाइन है तो मुझे तो डालनी ही पड़ेगी। अगर आपकी चाहे CPVC लाइन हो तो आप नहीं डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पर NRV लगा लिया। अब हम इसमें कनेक्शन पाइप को टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा कनेक्शन पाइप लगता हुआ। इसमें टाइट करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है इन्होंने कनेक्शन पाइप में ही। अब हम इसको यहाँ पर इसके स्विच में प्लग को लगा लेते हैं, लेकिन हम अभी इसमें इसको ऑन नहीं करेंगे। हम पहले गीजर में पानी भरेंगे, उसके बाद इसको ऑन करेंगे। कुछ हमारे प्लम्बर भाई, इलेक्ट्रिशियन भाई इसको पहले ही ऑन कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, कट ऑटोमेटिक कट लग जाता है, फिर ये जल्दी स्टार्ट नहीं होता ऐसे। तो हम अभी इसमें पानी भरने देते हैं। अब हम लगाएंगे इसके रिमोट को। रिमोट को हम इसके नीचे ही टांग लेंगे।
और इसके साथ में एक दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट। पहले हम इसको थोड़ा पेंच से निशान लगा लेते हैं, फिर हम इसमें हैमर से सुराख कर लेंगे। सुराख करने के बाद इसमें गिट्टी लगाते हैं हम इसमें, और फिर डेढ़ इंच का पेंच इन्होंने दिया हुआ है साथ में इसमें, उससे हम टाइट कर लेंगे। और यहाँ पर रिमोट इसमें इस प्रकार से फंस जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा रिमोट पूरा अच्छे से फंस गया है इसमें। अब यहाँ पे हम टैप को खोल के देते हैं, इसमें जैसा कि आप देखते होंगे एयर निकल रही है, अभी अभी पानी इसमें भरा नहीं है। पानी टैप से निकलने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देते होंगे हमारा टैप में से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं स्विच से, ये इन्होंने बाहर दिया हुआ है इसका स्विच, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया है ऑन। जैसा कि आप यहाँ पर देखते होंगे इसमें आ गई है लाइट, इसमें चार तरफ ये एलईडी बल्ब जलाए, तो यहाँ पर इसने कर दिया स्टार्ट पानी को गर्म करना। और दोस्तों इसमें इसके स्विच में साथ में इसमें एक बटन दिया हुआ है इन्होंने, आप चाहें तो इससे भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये ऑन ऑफ के लिए ही दिया हुआ है बटन स्विच में ही। जैसा कि आप यहाँ पे देखते होंगे इसने पानी गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे रिमोट में यहाँ पर अभी सेल नहीं है, क्लाइंट लेने गए मार्केट से, फिर भी हम यहाँ पर आपको कुछ समझाते हैं। दोस्तों प्लस का ऑप्शन बटन दबाएंगे तो ये पानी को की स्पीड बढ़ाएगा, मतलब मान लीजिए 30 टेम्परेचर है इसका, तो ये 70 डिग्री टेम्परेचर तक पानी को गर्म करेगा। और प्लस के माइनस के ऑप्शन पर दबाएँगे तो ये इसको घटाएगा, मान लीजिए अगर पानी ये ज़्यादा गर्म कर रहा है तो उसको कम भी यहाँ से कर सकते हैं। और बीच में इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन, यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।